सारी मेहनत बेकार। एक बेडशीट मैं लेके आई थी अमृतसर से, तो जबरदस्ती मैच करी हुई। कहते ये वाला जो मस्टर्ड है ना वो उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी चलाक ब्रो। बीबी थोड़े सूट का ना चदरा रंग तो सेम सेम ही मर जो हुई बिची। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। जो इसके जस्ट बाद वाली लाइन होती है ना वो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती क्या बोलूँ, और मैं हमेशा अटक जाती हूँ। तो एनीवेज थोड़ा मौसम के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे मैं न्यूज़ पढ़ रही हूँ जितेंद्र। थोड़ा सा मौसम विभाग के बारे में बताया जाए कि मौसम आजकल बहुत ही अच्छा हो रखा है। पता ही है यार आप लोगों को कि अनबिलीवेबल है ये जो मौसम आजकल चल रहा है। अभी भी देखना कैसे बादल हो रखे हैं, वाओ देख के ही मजा आ जा रहा है। और मेरे को लग रहा है कि सुबह भी बारिश होके हटी है। और मैंने और जितेंद्र ने कल पता है क्या किया था, यहीं पे बालकनी में बाहर हमने गद्दा लगा दिया था ब्रेकफास्ट करने के बाद। उसके बाद तब से लेके शाम तक बारिश भी होती रही। और कल फॉर्चुनेटली बारिश ना अंदर वाली साइड को नहीं हुई, अदरवाइज इधर वाली साइड को होती थी। हमने अपना गद्दा लगाया, वो छोटा सा फैन था वो लगाया, और अपना सारा सामान जो भी था काम करने वाला सारा उधर रख लिया और वहीं बैठे थे। क्या मस्त हवा थी, और फैन चलाते थे ना, कैन यू इमेजिन, हम फैन चलाते थे और हमें ठंड लग जाती थी तो हमें बंद करना पड़ता था वो फैन, ऐसा वाला मौसम था। और आज भी हमें लगा ना, तो आज भी हम बाहर बैठे क्योंकि आज भी सेम सा ही मौसम है। हमारे बजू भी बाहर निकले आज, इनसे आप बहुत दिनों के बाद मिले हो। हाँ अरे यार क्या पोटी खा रहा है गंदा, छी छी देख, आय हाय मेरा सर फोड़ देगा ये। बेटा तुमने देखो देखो देखना, इसने चोंच पूरी अपनी लबेड़ी हुई थी। हाँ करवा ले उससे, साफ करवा ले। अब मैं ना अब यहाँ वहाँ घूम रही हूँ क्योंकि बात ये है कि मैं जाना चाहती थी नहाने, और मेरे को मेरे बाल आपको दिख ही रहे होंगे इतने ज़्यादा बेकार लग रहे थे ना, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि बहुत दिन हो गए धोए, और बहुत दिन जब हो जाते हैं तो बहुत ऐसे ऑयली से हो जाते हैं। इवन मेरे बाल ड्राई हैं उसके बाद भी ये ऑयली से हो गए। तो मैंने सुबह उठते ही जितेंद्र को बोला कि मैं सबसे पहले नहाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना कई बार बालों से इरिटेशन हो जाती है। और मैं पता है क्या करती हूँ, जब मेरे बाल ऐसे कई बार मतलब मेरे को इचिंग भी होती है ना, अगर रात को हो रही है मेरे से सहम नहीं होती, और मैं जाके उठ के रात को बाल धोवाती हूँ। तो सुबह मैंने ऐसे ही कुछ बोला जितेंद्र को, बट जितेंद्र कहते कि बाल भी दिखाते मेरे को जितेंद्र की हरकतें, कि जितेंद्र कहते कि तू रहन दे अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते उसके बाद नहाने चाहिए। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं सिर्फ ब्रश किया मुंह धोया और मैं ऐसे ही आ गया, आपको लग ही रहा थोड़ी मेरी शक्ल देख के। अब जितेंद्र की हरकतें दिखाती हुई देखना फैन कहाँ से लगाया है। यहाँ पे हमने ना ये लगा रखी है नेट ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पूरे घर में नेट नहीं है, इसीलिए हमें ऐसे वाले मौसम में भी तभी एसी चलाना पड़ता है। तो ये हमने जुगाड़ किया हुआ था अमेजोन से मंगवा के, तो फैन बाहर रखा है ताकि ये बाहर की ठंडी हवा खींचेगा। चला के देखे क्यों गिर जाए, वो मेरे को लग रहा है वो गिर जाएगा वहां से, मैंने फंसाया हुआ लेकिन वो सही जगह नहीं है। ठंडी आ रही है हवा, हाँ पर ये पर कम हो गई ना ये नेट की वजह से, सारी मेहनत बेकार। और हाय पानी अंदर चला गया इसके, तो कैसे चला जाए ऊपर से नीचे को अपने गर्म। हाँ पर यहाँ से तो अंदर जा सकता है ना गर्म पानी। ये अपना आज बना है, ये विसल को क्या किया है जितेंद्र इसकी देखना हाल, विसल इसकी नहीं लेने वाली है बेटा, फट गया ना किस दिन कुक करिए। ओह ये आज हम बना रहे हैं दलिया, इसकी शक्ल पे मत जाना क्योंकि अभी इसमें हम डालेंगे। इट्स परफेक्टली कुक्ड जितेंद्र, इसमें अब डलेगा दूध। वो चाहिए लोहा काटने वाला ब्लेड नहीं होता वो उससे काटो। और कुछ बस अपने में मजे में खुश रहते हैं, बस हमारे साथ नहीं बात करते ये। तुम्हें क्यों पूछेंगे ये, हाँ इनको सालों को टाइम से दाना पानी मिल रहा है और क्या चाहिए। तोते ज्यादा जल्दी हाथ आते हैं, ये इन्होंने हमारे ऊपर कभी विश्वास ही नहीं किया, हमने कोशिश ही नहीं करी ना विश्वास कराने की। सोना क्या कर रहा तू, इससे नहीं लगा ये नीचे लगा प्लेट पे लग गया था हाथ, प्लेट पे लगा और इतनी जोर से लग गया तेरे को, तो ऐसे ऐसे छूटा और ठप ऐसे बचा। ब्लूबेरी तो हम सीधे कटोरी में डालेंगे, हां सीधा मुंह में डाल देना कटोरी, मैं तो सीधा कमोड में डाल देता हूं। अच्छी यार क्या गंदा बंदा है यार क्यों
हाँ तो अल्टीमेटली तो वही जानी है, तो पेट को तो दुख देना है ना, सीधी वही डाल दो। ये एक बेडशीट मैं लेके आई थी अमृतसर से, और तब से मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, यूज़ करने भूल गए। और ये हम अपने लिए लेके आए थे, अपने लिए लेके आए थे मतलब कुछ बेडशीट हमारे घर पे ऐसे हैं जो सिर्फ गेस्ट के लिए हैं ना जितेंद्र, तो ये हम लाए थे कि अपने लिए नहीं कुछ चादर ली जाए। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना, कलरफुल सी, पर ये मेरे को ऐसे लग रही है हमारे इस बेड के साथ मैच करेगी, ये दूसरे साइड वाले बेड के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। इधर क्या ऐसे लग रही है, ऑल दो हमारे बेड के साथ इतनी मैच नहीं कर रही है ना, बिल्कुल ही आउट ऑफ मैच हो गया ये ब्लू ये ग्रीन। ब्लू और येलो का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मैगी पड़ी हुई है, जितेंद्र नोट कर रहे हैं खाने पीने का सामान, हमें बाहर जा रहा है ग्रोसरी का सामान लेने के लिए और सब्जी वगैरह लेके आएंगे। वैसे हम मोस्टली ऑनलाइन मंगवाते हैं पर इस बार मन नहीं है, मतलब जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चाहिए तो हमने सोचा कि चलो ये वाली चीज़ें भी बाहर से ले आएंगे, और मौसम फिर बाहर ख़राब होने लग गया, तो इसलिए सोच रहे हैं कि पहले तो ऊपर नहीं आ, पहले सोच रहे थे कि अभी चले जाते हैं, पर अब सोच रहे हैं कि नहीं मैं मेरे को बनानी है सब्जी, सब्जी बना के और उसके बाद चाय पी के फिर बाहर निकलेंगे। और आज पता नहीं क्यों मेरा ना ऐसे ब्रेड पकौड़े देखे हैं मैंने किसी व्लॉग में देखे यूट्यूब पर, कल से देख रही और मेरा मन कर रहा है ऐसे ब्रेड पकौड़े ही खाने का, अनफॉर्चुनेटली ब्रेड है नहीं है, नहीं तो मैंने शायद बना दिए होते आज को, कोई नहीं कभी और बनाएंगे। मैंने चेक किया जितेंद्र, ये पता कितने का है, 1300 ml, 1300 ml का है। और मैं मतलब मैं और जितेंद्र ऐसे करते हैं कि पानी मोस्टली इसमें ऐड कर देते हैं और इसी को रिफिल करके पीते रहते हैं, तो मेरा टारगेट होता था कि बॉटल जो मैं इसमें पलटती हूँ ना तो मैं 7 से 8 बॉटल डालने की कोशिश करती थी कि मतलब हमारा इतना पानी हो जाए, बट मैं तो जग भी डायरेक्ट भर भर के रख देती हूँ और मैं एक जग को 1 लीटर के बराबर कंसिडर करती थी इसको और इसके हिसाब से पानी पी रही थी, और कभी मतलब ऐसे इतना हमें लगता था कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, पिया भी नहीं जाता था, तो अब समझ में आया कि वो पिया क्यों नहीं जाता, और मैं कम सोचती होती थी कि इसमें पानी सिर्फ 1 लीटर आता जबकि 1300 ml का है, पता नहीं क्या सोच के बनाया 1300। इसमें आप गर्म चीज़ें रख सकते हो जैसे दूध हो गया या गर्म पानी हो गया, पता नहीं किस लेवल तक पर लिखा था, और ये ना बोरोसिलिक एसिड, बोरोसिलिक जो ग्लास होता है ना उससे बना हुआ है, ये वही है जो ये ग्लास है ना, ये बोरोसिलिक, हाँ ये ग्लास की क्वालिटी, मतलब ये क्वालिटी के लिए फेमस है कि ये टूटते नहीं, इसका नाम ही बोरोसिल रख दिया हुआ है कंपनी ने, बट एक्चुअली में वो ग्लास की टाइप होती है, कांच बोरोसिलिक, तो ये क्या होता है ना जैसे नॉर्मल ग्लास का होता है ठंडा, ज्यादा ठंडा डाल दो और या ज्यादा गर्म डाल दो तो वो तड़क टूट जाता है, ये टूटते नहीं है ग्लास। आज ना मैं ऐसे थोड़ा टायर्ड सा फील कर रही हूँ, ओ भाई साहब जितेंद्र ने इसके ऊपर क्या क्या रख दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि सब्जी काटने जा रही थी सो आज मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसके ऊपर बैठूँगी आराम से और फिर कटेगी अरबी, अरबी काटने में टाइम लग जाएगा ना थोड़ा, तो आराम से बैठ के काटूँगी, इसको करूँ मैं बंद, उधर ही लगा रही हूँ, हाँ उधर से लगा दो, सब्जी बनाते टाइम तो आई डोंट थिंक सो मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी, बट फिलहाल के लिए थोड़ा दूर रखो और इसके नीचे कुछ रखना पड़ेगा नहीं तो ये तो घूमते घूमते कहीं भी घूम जाता है। मैंने नहीं किया, ये खुद ही पलट गया उधर को, इसको इधर को घुमाओ, आज कपड़ा रखा तब भी घूम गया ये चाहता ही नहीं है हवा देना, इसके नखरे बहुत हैं, आज हमने पोचा कुछ ज्यादा ही रगड़ के लगाया जितेंद्र, ये देखना घूम ही जा रहा है। चाय आज जितेंद्र ने बनाई है पर कुछ खास मेरे को लग रही है आज जितेंद्र, और अभी तो मौसम अच्छा है ना तो इसलिए किचन में खड़ा हुआ जा रहा है, जैसे ही गर्मी होगी ना बहुत हाल खराब होने वाला है। और इनको पता नहीं क्या हुआ पड़ा है, क्या हुआ तुम्हें उले, लड़ाके एक नंबर के हैं हाँ हाँ, ये तो बहुत प्यारी है, ये काटती नहीं है, ये काटने को आता है, अभी हाथ आगे गया ना ये देख अभी काट देगा, क्या हो गया, अरे चार्जिंग लगाई थी लाइट ही नहीं है। अच्छा मैंने सोचा कि बटन नहीं ऑन किया था मेरी तरह, सच सच बताना जितेंद्र बटन बंद था, लाइट नहीं है यार बटन ऑन था। यहाँ पे आज कुछ ज्यादा मैचिंग हो गया, जितेंद्र की ये टर्बन,
नीचे हमारा वो पफ सा जो पड़ा है और हमारी चादर। और मैं बार बार जितेंद्र को कह रही थी मैं यार ये चादर ना मैच नहीं कर रही इसके साथ, और जबरदस्ती मैच कर रही, कहते ये वाला जो मस्टर्ड है ना वो उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। इसका क्या पता, उठा के चादर पर अलमारी में रख दे, नहीं अपनी बिछा ली है, नहीं लाएंगे, दिमाग खराब है इस लड़की का, कुछ पता नहीं। नहीं यार बार बार बोल रहे जितेंद्र, बार बार डिफेंड कर रहे, नहीं नहीं ये मस्टर्ड मैच कर रहा है उसके साथ, कुछ ना कुछ तो मैच कर दिया है ना वेरी चालाक ब्रो। आप ना अच्छे से समझ पाओगे अगर आप मैरिड हो तो, आपको पता है कि कैसे कैसे सेट रख रहे हैं। अगर कोई सूट बोले ना अगर पसंद नहीं आ रहा, 5-10 देख लिया उसके बाद समझ में आ जाता है कि इसको यहाँ से पसंद नहीं आ रहा, फिर ये होता है ये बहुत चलाक बंदा है। जितेंद्र की फूटी किस्मत, वहाँ पे चार्ज तो हुआ नहीं, चार्ज फोन चार्ज नहीं हुआ, चार्जर चार्ज नहीं हुआ, और यहाँ पे उसकी वायर भी नहीं आई। मैंने बोला था फोन करो भूपिंदर को और फटाफट कैमरा ऑन कर लिया, फोन नहीं किया। दरवाजा बंद कर दो, मच्छर आ जाएगा। केबल तो दिखी नहीं फोन हाथ में, दिखी ना अभी क्विक, तो बाद में देखते हैं। और देखो इधर वाला सामान, बट बड़े वाली पैकिंग है जितेंद्र, छोटी है नहीं। ये मेरे लिए इधर चलो तुम। हम लोग आए हैं मम्मी के पास क्योंकि यहाँ पे ग्रोसरी लेने आए थे, पास में ही था तो लगे हाथ हम चले आते हैं। मैं जितेंद्र को कह रही थी अभी तो मम्मी और यहाँ पे है, हमारे पास कोई ना कोई है जिसके पास हम चले आते हैं, और मम्मी वगैरह जाने वाले हैं अगले हफ्ते वापस घर, तो फिर हाँ अभी तो यहीं पे ही है। अच्छा मैम कब तक शॉप ओपन रहती है? चलो ठीक है मैम मैं ले जाऊँगा, वो रोल रह गया। अच्छा वो उधर ही छोड़ा है, वो उधर ही छोड़ा है। चलो कोई ना ले लेंगे। क्या यार जितेंद्र आपका ध्यान पत्नी कहाँ रहता है? हेलो नमस्ते। नमस्ते जी। क्या है मेरे फोन फान नहीं आज कर रहा हूँ, तो बोले ना वो ना सत्ता दे दो। बोलो अब क्या बोल रहे थे मेरे को बाहर? नमस्ते ठीक है तो मैं, हाँ ठीक है मैं तो थोड़ा पहले टोपी यहाँ बीबी बनी कितना गायब हुई है। मसूरी गई थी ना, मसूरी और कैंपटी फॉल। आप गए हो जितेंद्र कैंपटी फॉल? हाँ इधर कौन नहीं गया है ना। पापा चले गए घर और मम्मी और बीबी रह गए यहाँ पे, ये वापस जाने वाले हैं अगले हफ्ते। हाँ डाल दो। तो हम खाने वाले हैं अब टिक्की चटनी के साथ मस्त। तो चलो गाइज इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।